नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय सिया राम, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम बार की बार यूट्यूब चैनल मेरे साथ। इस चैनल पे आपको मिलता है राजस्थान जी के और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाले आइकन को भी दबा दें नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। इस चैनल पर हमने कक्षा 6, 7, 8 की हमारा राजस्थान नाम की किताब को हम वन लाइनर क्वेश्चंस के तौर पर पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम कक्षा 10 की राजस्थान अध्ययन की किताब को भी हम वन लाइनर क्वेश्चंस के तौर पर पढ़ चुके हैं। अब हम कक्षा 9 की किताब को पढ़ रहे हैं, जो कि बीच में से रह गई थी। कक्षा 9 की किताब को पढ़ रहे हैं और इसका हम पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस के तौर पर। अगर आपने ये सभी नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लें। आइए शुरू करते हैं कक्षा 9 राजस्थान अध्ययन चैप्टर 2। चैप्टर 2 का शीर्षक है राजस्थान के क्रांतिकारी। आज का शीर्षक है राजस्थान के क्रांतिकारी, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यस, पहला प्रश्न है बांकीदास किसके राज कवि व काव्य गुरु थे? तो जोधपुर नरेश मानसिंह के। बांकीदास जोधपुर नरेश के राज कवि और काव्य गुरु थे। सेकंड क्वेश्चन, डूम जी व जवाहर जी ने किस अंग्रेज छावनी को लूटा था? तो नसीराबाद छावनी को लूटा था। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत किस कवि के दोहों से स्पष्ट होती है? तो सूर्यमल मिश्र, या सूरजमल मिश्र भी कहते हैं इसे, सूर्यमल मिश्र के दोहों में सन 1857 की क्रांति स्पष्ट होती है। अगला क्वेश्चन, कौन से क्रांतिकारी काका भतीजे के नाम से प्रसिद्ध हुए थे? तो डूंग जी और जवाहर जी काका भतीजे के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। राजस्थान का वह पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन था जिसे सर्वप्रथम फांसी हुई थी? तो वो था अमरचंद बांठिया, अमरचंद बांठिया, जिसे भामाशाह, राजस्थान का भामाशाह भी कहते हैं। अमरचंद बांठिया ने अपनी संपूर्ण संपत्ति किसे देने का प्रस्ताव रखा था? तो तात्या टोपे को अपनी संपूर्ण संपत्ति दान देने का प्रस्ताव रखा था। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो भूप सिंह था। विजय सिंह पथिक ने किन संगठनों की स्थापना की थी? तो वीर भारत सभा व राजस्थान सेवा संघ, इन दो संगठनों की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक द्वारा। भारत के किसान आंदोलन का जनता भारत के किसान आंदोलन का जनता जनक किसे कहा जाता है? सॉरी, जनता नहीं, जनक। जनक किसे कहा जाता है? तो विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। विजय सिंह पथिक द्वारा कौन सा समाचार पत्र चलाया गया था? तो राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान व तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र चलाए गए थे विजय सिंह पथिक द्वारा। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। 11वां क्वेश्चन, अर्जुनलाल सेठी द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की गई थी सन 1905 ईस्वी में। अर्जुनलाल सेठी द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो वो संगठन था जैन शिक्षा प्रचारक समिति सन 1905 ईस्वी में। जैन शिक्षा प्रचारक समिति के तत्वानिधान में किस शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई थी? तो वर्धमान विद्यालय व वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालयों की स्थापना की गई थी। जैन शिक्षा प्रचारक समिति के तत्वानिधान में किन शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई थी? तो वो शिक्षण संस्थान थे वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय, जिनकी स्थापना
जैन शिक्षा प्रचारक समिति ने की थी। किसने अर्जुनलाल सेठी को जयपुर का प्रधानमंत्री बनवाने की पेशकश की थी? तो जयपुर नरेश माधव सिंह द्वितीय ने, जयपुर नरेश माधव सिंह द्वितीय ने अर्जुनलाल सेठी को जयपुर का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी। अर्जुनलाल सेठी की रचनाएं कौन सी हैं? तो शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति व महेंद्र कुमार इनकी रचनाएं हैं। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार अर्जुनलाल सेठी की रचनाएं हैं। केसरी सिंह बारहट का जन्म कहां पर हुआ था? तो देवपुरा गांव में हुआ था, शाहपुरा रियासत के अंदर भीलवाड़ा जिले में। केसरी सिंह बारहट का जन्म कहां हुआ था? तो देवपुरा गांव के अंदर हुआ था, सन 1872 ईस्वी में देवपुरा गांव शाहपुर तहसील, या उस समय रियासत थी शाहपुर रियासत, भीलवाड़ा जिले के अंदर जन्म हुआ था। चेतावनी रा चुंगटिया किसकी रचना है? तो केसरी सिंह बारहट की रचना है चेतावनी रा चुंगटिया। चेतावनी रा चुंगटिया नामक 13 सोरठे पढ़कर कौन से शासक प्रभावित हुआ था? तो उदयपुर का महाराणा प्रभावित हुआ था। चेतावनी रा चुंगटिया नामक 13 सोरठे पढ़कर कौन सा शासक प्रभावित हुआ था? तो उदयपुर का महाराणा फतेह सिंह, उदयपुर का महाराणा फतेह सिंह प्रभावित हुआ था। केसरी सिंह बारहट ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो वीर भारत सभा की स्थापना की थी, वीर भारत सभा की। केसरी सिंह बारहट के पुत्र कौन थे? तो प्रताप सिंह बारहट थे। केसरी सिंह बारहट के पुत्र का नाम था प्रताप सिंह बारहट। प्रताप सिंह बारहट ने किसके सानिध्य में देश सेवा की शिक्षा ली थी? तो मास्टर अमीर चंद के सानिध्य में ली थी, मास्टर अमीर चंद के सानिध्य में देश सेवा की शिक्षा ली थी प्रताप सिंह बारहट ने। किस घटना के कारण प्रताप सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था? तो बनारस कांड के कारण कर लिया था, बनारस कांड के चक्कर में प्रताप सिंह बारहट को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो सन 1918 ईस्वी में हो गई थी, 1918 ईस्वी में प्रताप सिंह की मृत्यु 22 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। किस अंग्रेज अधिकारी ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा था कि तुम्हारी मां तुम्हारे लिए रोती है? तो यह कहा था क्लीवलैंड ने, क्लीवलैंड ने कहा था प्रताप सिंह बारहट से। प्रताप सिंह बारहट को जेल में इतनी यातनाएं दी गई थी, यातनाओं के कारण उसकी 22 वर्ष की उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। जेल में यातनाओं के समय प्रताप सिंह बारहट से कहा था क्लीवलैंड ने, अंग्रेज अफसर क्लीवलैंड ने, कि तुम्हारी मां तुम्हारे लिए रोती है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, नागौर के चरखा संघ की, नागौर का चरखा संघ तथा खद्दर भंडार की स्थापना किसने करी थी? तो बाल मुकुंद बिस्सा ने करी थी। बाल मुकुंद बिस्सा ने नागौर के चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, किसे राजस्थान का जतिन दास कहते हैं? तो बाल मुकुंद बिस्सा को कहते हैं राजस्थान का जतिन दास। बिस्सा का जन्म कहां पर हुआ था? तो पीलवा गांव में हुआ था, डीडवाना के अंदर, पीलवा गांव डीडवाना में बिस्सा का जन्म हुआ था। सागरमल गोपा ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? तो आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज, इन पुस्तकों की रचना सागरमल गोपा ने की थी। स्वतंत्रता सेनानी वीर सागरमल गोपा ने आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तकों की रचना की थी। सागरमल गोपा को किस जेल में कैरोसिन छिड़ककर जिंदा जला दिया गया था? तो जैसलमेर की जेल में जला दिया गया था अप्रैल 1946 के अंदर। सागरमल गोपा को जैसलमेर की जेल में कैरोसिन छिड़ककर जिंदा जला दिया गया था अप्रैल 1946 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना भाई खाट किस प्रजामंडल से जुड़ी पाठशाला का संचालन कर रहे थे? तो डूंगरपुर प्रजामंडल से जुड़ी हुई पाठशाला का संचालन करते थे नाना भाई खांट। किस पाठशाला को बंद नहीं करने के कारण नाना भाई खांट के निर्मम हत्या कर दी गई थी? तो वो रास्तापाल की पाठशाला थी। रास्तापाल की पाठशाला को बंद नहीं करने के कारण नाना भाई खांट की हत्या कर दी गई थी डूंगरपुर के अंदर। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की थी? तो सरदार हरलाल सिंह ने करी थी। सरदार हरलाल सिंह ने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की थी। दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का संपादन करते हुए पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो कप्तान दुर्गादास प्रसाद चौधरी थे। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी जो है दैनिक नवज्योति के संपादक के रूप में और स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए थे, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। अगला क्वेश्चन 33 नंबर का, समस्त रियासती जनता को गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अंजना देवी चौधरी थी। अंजना देवी चौधरी वो प्रथम महिला थी जो समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। किसकी रक्षार्थ कालीबाई ने प्राणों की आहुति 20 जून 1947 को दे दी थी? तो वो सेंगा भाई की रक्षार्थ कालीबाई नाम की एक लड़की ने अपने शिक्षक की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी और वो शिक्षक थे सेंगा भाई। सिखावाटी किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो किशोरी देवी ने किया था। किशोरी देवी ने महिलाओं का नेतृत्व किया था सिखावाटी किसानों के आंदोलन के दौरान। किशोरी देवी। इसके साथ ही हमारा यह दूसरा चैप्टर भी समाप्त होता है। आपने हमारे ये वीडियोस देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक एग्जाम पार अब की बार YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला आइकन भी दबा दें। चलिए इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।